2017 के पहले प्रदेश के अंदर निरंतर दंगे होते थे, पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, प्रदेश के अंदर धूमधड़ाके के साथ कावड़ यात्रा भी निकल रही है, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है, वाराणसी में देव दीपावली का कार्यक्रम भी हो रहा है। आस्था का सम्मान करते हुए हर पर्व और त्योहार किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब के हों, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। समाज में सर्वत्र खुशहाली का आलम कि कोरोना काल खंड में भी पर्व और त्योहारों में कोई पाबंदी नहीं। आस्था के केंद्रों को सम्मान देते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई होती है, तो काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी के द्वारा के करकमलों से 13 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित भी हो जाता है। पहले 2017 के पहले हर नियुक्ति विवादित होती थी, क्योंकि एक खानदान निकल पड़ता था वसूली के लिए, महाभारत के सभी रिश्ते सामने आ जाते थे, कहीं काका वसूली कर रहा है, कहीं चाचा वसूली कर रहा है, कहीं भांजा, कहीं भतीजा, ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे।